अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एयरलाइन शर्ट की कटिंग डिटेल में बताने लगी हूँ। सबसे पहले हम शर्ट की लेंथ मेजरमेंट करेंगे। रेडी लेंथ जो है वो है 44 इंचेस। इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा 45 इंचेस। 1 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो हम मार्जिन रखेंगे। उसके बाद मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान जो है वो 7.5 इंचेस है। 15 इंचेस का जब हम माफ़ करेंगे तो वो हो जाएगा 7.5 इंचेस। उसके बाद मैं जो है वो कंधे का निशान लगाऊंगी तीरे से लेकर नीचे तक 8 इंचेस, और इस जगह से हम 0.5 इंचेस जो है वो डाउन रखते हैं। 8 इंचेस पे निशान लगाऊंगी और इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। दोनों साइडों से इस बॉक्स सा बना लूँगी। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट जो है वो 42 इंचेस है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हाफ कर कर हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से शेप दे लेंगे। उसके बाद जो है वो मैं तीरे का सॉरी कमर का निशान लगाऊंगी। तीरे से लेकर नीचे जो है वो 14 इंचेस पे कमर होती है और हिप जो है वो है 20 इंच पे, ऊपर कमर से लेकर 20 इंच तक। ये हर किसी का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है और जो नॉर्मल साइज़ है वो यही होता है। जो कमर है वो है 28 इंचेस, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हाफ़ कर लेंगे। इसी तरह हिप जो है वो 44 इंचेस है, उसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हाफ जो है वो हम रख कर निशान लगा लेंगे। इस तरह से जो हमने निशान लगाए हैं उनको फिटिंग की जो सिलाई लगाते हैं इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मैं जो है 1.5 इंचेस जो है वह एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, मार्जिन रखूँगी। जो हमारा हिप का साइज़ होता है उसमें मैं 8 इंचेस ऐड करूँगी, 8 इंचेस ऐड करूँगी और इसको 2 पे डिवाइड करूँगी और जो आंसर आएगा उसका हाफ हम रखेंगे। एयरलाइन की शर्ट की जब भी हम कटिंग करते हैं तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली ही जो है वो उसके दामन को आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, उसका गेट कितना रखना चाहते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो 8 इंचेस या 6 इंचेस जो है वो रखा जाता है गेट। चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों के अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से सारी। फ्रंट बैक की पहले हम इकट्ठी कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसकी कटिंग बाद में करेंगे। शर्ट की जो फ्रंट साइड होती है उसकी जो है वो हम 1 इंचेस जो है वह एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, क्योंकि ये जो है वो इस जगह से शर्ट जो है वो फूलती नहीं है। फिर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस तरह से आप इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं एयरलाइन शर्ट की। इसकी ये देखें कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम बाजू की कटिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम बाजू की कटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने जो फैब्रिक को है 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी जो मैं लेंथ लूँगी वो रेडी लेंथ जो है वो है 22 इंचेस, और इसमें 1 इंचेस में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी 23 इंचेस। इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर की है इससे नीचे जो है वो डाउन 4 इंचेस पे निशान लगाऊँगी और इसको हम इस तरह से कंधे की शेप दे लेंगे, देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे से मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये जो है वो बाजू इसी तरह से खुले बाजू रखने हैं। अगर मैं आगे से इसकी कटिंग कर दूँगी तो इसकी जो है ना वो कढ़ाई जो है वो सारी ज़ाया हो जाएगी, इसलिए इसके बाजू जो है वो मैं खुले रख रही हूँ। देखिए बाजू की भी कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है।